अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तरीन रिव्यू की एक और वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं हॉट व्हील्स के पैक ऑफ फाइव की। अच्छा, पैक ऑफ फाइव के बारे में बताता चलूं कि पैक ऑफ फाइव बेसिकली पांच गाड़ियां होती हैं एक ही पैक में, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास वो पड़ी हैं। सो इसमें डिफरेंट होती हैं, इसमें एग्जॉटिक कार्स का भी पैक आता है, इसमें मसल्स का भी आता है, इसमें फ्लेम्स का भी आता है, लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं वो बहुत स्पेशल है। स्पेशल इस तरीके से कि लैम्बोर्गिनी ब्रांड की जो पैक ऑफ फाइव है ये बहुत एक्सक्लूसिव होता है और उसके अंदर लैम्बोर्गिनीज होती हैं। आप लोग जानते ही हैं कि लैम्बोर्गिनी एक मशहूर ब्रांड है और दुनिया भर में पहचाना जाता है फॉर इट्स स्पोर्ट्स एंड हाइपर कार्स। अगर मैं ये कहूँ कि ऑलमोस्ट हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा, जिसको भी गाड़ियों का शौक है उसको लैम्बोर्गिनी पसंद है। एक काइंड ऑफ इट्स लाइक अ ड्रीम कार ऑफ एवरीवन। सो हम स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि लैम्बोर्गिनी गाड़ियों के जो नाम होते हैं वो बेसिकली फाइटिंग बुल्स के ऊपर रखे जाते हैं। बेसिकली इतनी एग्रेसिव कार्स होती हैं और फाइटिंग बुल्स जो होते हैं वो भी बहुत एग्रेसिव होते हैं, सो उस हिसाब से इनके नाम रखे जाते हैं। थोड़ी बहुत अगर हिस्ट्री में जाएँ तो लैम्बोर्गिनी बेसिकली सेम उसी शहर में गाड़ी बनती थी जहाँ फरारी बनती थी। हुआ ये कि जो फरारी के ओनर थे मिस्टर एंजो फरारी, उनके पास लैम्बोर्गिनी के ओनर एक दफ़ा आए। वो ट्रैक्टर बनाते थे और फरारी वाले अंकल फरारी बनाते थे, तो अब सीन ये हुआ कि उन्होंने सोचा कि मुझे एक स्पोर्ट्स कार बनानी है। वो मिस्टर फरारी के पास आया और उन्होंने उनसे मशवरा किया, तो फरारी ने उनका मजाक उड़ाया कि भाई आप तो ट्रैक्टर बनाते हैं, आप कहाँ बनाएंगे। इस पर उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी ब्रांड की गाड़ियाँ खुद बनाएंगे और आज हम देखेंगे कि वो गाड़ियाँ दुनिया भर में मशहूर हैं फॉर देयर एग्रेसिवनेस, फॉर देयर स्टाइल, फॉर देयर लुक्स एंड फॉर देयर डिज़ाइन। इट्स लाइक द मोस्ट डिज़ायरेबल कार इन द वर्ल्ड। तो चलें भाई स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो कार्स का पैक है ये बेसिकली पांच गाड़ियों का, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसको मैंने पहले ओपन कर लिया था बिकॉज आई वांटेड टू कीप द वीडियो एज नीट एज इट इज़। सो हमारे सामने जो गाड़ियां हैं, आई वुड लाइक यू गाइस टू हैव अ लुक सो दैट इसके बाद हम वन बाय वन सबका रिव्यू कर सकें। आई होप आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही होंगी। तो हमारे पास गाड़ियां आ गई हैं, अब हम वन बाय वन सब गाड़ियों का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास गाड़ी है वो है ये खूबसूरत सी गोल्डन कलर की लैम्बोर्गिनी वेनिनो। अच्छा, लैम्बोर्गिनी वेनिनो के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये दुनिया में सिर्फ पांच बनी थी। जी हाँ, सिर्फ पाँच। जो उसमें से सबसे पहली प्रोडक्शन कार थी वो कॉन्सेप्ट कार थी, सेकेंड इन्होंने बनाई थी अपने म्यूजियम के लिए, और उसके बाद तीन गाड़ियां बनाई थी कस्टमर्स के लिए, जिसमें से एक रेड थी, एक ग्रीन थी, एक वाइट, जो कि इटालियन फ्लैग के कलर्स हैं। तो हम जब देखते हैं तो इस वक्त हमारे पास एक गोल्डन कलर में वेनिनो है जिसकी डिटेल हेडलाइट्स भी हैं, ठीक है, उस पर लैम्बोर्गिनी का लोगो भी है और साइड से बहुत खूबसूरत प्रोफाइल है। अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो इसका जो है स्पॉयलर बहुत खूबसूरत सा है और इसकी टेल लाइट्स इतनी डिटेल नहीं है, बट वन कैन से कि ये इसकी टेल लाइट्स हैं, ठीक है जी। तो इसके रिम्स भी ब्लैक कलर में हैं। इसके रिम्स के ऊपर इन्होंने, हालांकि अगर दे इफ़ दे वांटेड दे कुड हैव लाइक कलर्ड इट, बट इन्होंने नहीं करा। तो ये है लैम्बोर्गिनी वेनिनो। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि लैम्बोर्गिनी वेनिनो बेसिकली फॉल्स इनटू हाइपर कार कैटेगरी और इसकी जो टॉप स्पीड होती है वो 351 किलोमीटर्स पर आवर होती है और 0 to 100 इट गोज इन 3 seconds। हमारे पास जो सेकंड गाड़ी है वो है लैम्बोर्गिनी हुरकान। अच्छा, लैम्बोर्गिनी हुरकान का मैं आपको बताता चलूं कि बेसिकली पहले लैम्बोर्गिनी गैलार्डो आती थी, उसके बाद उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू करके लैम्बोर्गिनी हुरकान बनाई। अच्छा, ये जो वर्जन है हमारे पास ये कहलाता है लैम्बोर्गिनी हुरकान सुपर ट्रॉफियो। ये इसका एक ट्रैक वर्जन है, बेसिकली रेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है और ये ट्रैक ओनली वर्जन है। इस वक्त ब्लू कलर में बहुत खूबसूरत आप देख सकते हैं, साइड पे 63 है। बेसिकली इट शोज़ द 63 ईयर्स ऑफ लैम्बोर्गिनी। एंड देन अगर आप पीछे जाएं तो टेल लाइट्स इतनी डिटेल नहीं है बट आपको नज़र आ जाती हैं। जो इसके अलावा आपको इसका जो स्पॉयलर है वो भी काफ़ी बड़ा है, यूजुअली इतना बड़ा होता नहीं है जो नॉर्मल कार होती है, बट इसमें क्योंकि ट्रैक वर्जन है तो ये है। हुड पर भी आप देख सकते हैं कि इसके बहुत अच्छे डेकल्स लगे हुए हैं और हेडलाइट्स पे काफ़ी डिटेल हैं। येलो कलर के रिम इसके साथ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और बिल्कुल साइड पर अगर आप देखें तो इटालियन फ्लैग का जो है डेकल्स लगे हुए हैं। हमारे पास जो तीसरी वाली गाड़ी है वो कहलाती है लैम्बोर्गिनी मुर्सिलागो सुपर वेलोचे। अच्छा, मुर्सिलागो अगेन प्रोडक्शन कार थी, नॉर्मल पहले आई थी। सुपर वेलोचे जो है बेसिकली इसका वो वर्जन है जो कि बेसिकली थोड़ा परफॉर्मेंस एनहेंस करते हैं, इसके साथ स्पॉयलर लगा हुआ है। दो इट्स नॉट अ ट्रैक वर्जन बट ये एक परफॉर्मेंस एनहेंस के बाद आया था। अच्छा, इट्स लाइक द प्रेडिसेसर ऑफ लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर। इसके बाद एवेंटाडोर आई थी, ये डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो हमारे पास ये सुपर वेलोचे। अच्छा, ये सुपर वेलोचे मैंने बहुत कम देखी हॉट व्हील्स में। मैंने एक बड़ी वजह जो थी, जो मैंने लैम्बोर्गिनी पैक ऑफ फाइव लिया था,
उसमें बेसिकली ये सुपर वेलोसिटी वरना नॉर्मल आती है। इसके रिम्स भी बड़े खूबसूरत हैं, उस पर एक गोल्डन कलर की क्रोम कलर की बल्कि लाइन है, सो एंड ऑरेंज कलर के फ्रंट पे और लोगो है ऑरेंज कलर के, इसके ऊपर स्ट्रिप्स हैं, सो इट लुक्स रियली नाइस। अच्छा, चौथी जो हमारी गाड़ी है बेसिकली ये एक एवेंटाडोर है, लेकिन इसकी ख़ास बात ये है कि इसकी ना विंड स्क्रीन है ना ही इसका रूफ टॉप है। अच्छा, ये जो गाड़ी थी ये बेसिकली इन्होंने एक ही बनाई थी, बेसिकली इट वाज अ कॉन्सेप्ट कार, लेकिन उसके बाद इसको इन्होंने बेच दिया, तो ये कहलाती है एवेंटाडोर जे। तो इसको बनाने का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि इसकी विंड स्क्रीन ही थी, सो दे बेसिकली वॉन्टेड टू गिव इट लाइक द फुल फील ऑफ लाइक आर ट्रैक कार। पुराने ज़माने में इस तरह की गाड़ियाँ होती थी जो कि रेस कार होती थी, फरारी ने भी बनाई है और इसके बाद इन्होंने एक वन ऑफ बनाई थी, तो ये दुनिया में एक ही बनी थी। हमारे पास इस वक्त मैट वाइट कलर में जिसके हुड पे जो है ब्लैक स्ट्राइप्स दी हुई हैं, लेकिन जो ओरिजिनल कार थी जो बनाई गई थी वो रेड कलर में थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास गाड़ी है वो है लैम्बोर्गिनी गलार्डो सुपर लेजेरा। अच्छा, सुपर लेजेरा बेसिकली थोड़ा अगेन परफॉर्मेंस इन्हांस वर्जन है इस वक्त, और आपके सामने जो नज़र आ रही है ये ऑरेंज कलर में काफ़ी खूबसूरत है। लैम्बोर्गिनी गलार्डो जो थी, अगेन ये भी एक बुल के ऊपर इन्होंने इसका नाम रखा था, और ये ऑरेंज कलर में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। इसके साइड पर लैम्बोर्गिनी की ब्रांडिंग हुई भी है, फ्रंट पर भी लोगो है और डिटेल हेडलाइट्स हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी 5 गाड़ियाँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट मैं और वीडियोस बनाता रहूँ। अच्छा, आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ कि मेरे पास, मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि काफ़ी गाड़ियाँ आई हुई हैं तो मैंने वो अनबॉक्सिंग करनी है, तो मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं नेक्स्ट, कौन सी गाड़ियों की मैं अनबॉक्सिंग करूँ, पैक ऑफ 5 की करूं या रैंडम जो है मेन लाइन की करूं या प्रीमियम्स की करूं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।